रूस ने यूक्रेन को तीनों तरफ से घेर लिया है। जंग की आशंका के बीच पुतिन और बाइडेन ने लगभग एक घंटे तक फोन पर बातचीत की और बातचीत के जरिए यूक्रेन विवाद सुलझाने की पूरी कोशिश की गई, पर व्हाइट हाउस की माने तो यह बातचीत पूरी तरह से विफल रही। वहीं प्रेसिडेंट पुतिन अपनी जीत पर अड़े रहे और अमेरिका ने भी रूस को क्लियर मैसेज देते हुए कहा कि अगर यूक्रेन पर हमला हुआ तो अमेरिका और नाटो देश पूरी ताकत के साथ इस हमले का जवाब देंगे। इस तरह से अब यूक्रेन और रूस के बीच जंग लगभग तय मानी जा रही है और यूएस की बात मानी जाए तो रशिया 16 फरवरी तक यूक्रेन पर हमला सकता है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के अनुसार रूस 9 रास्तों से यूक्रेन पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। रशिया सबसे पहले यूक्रेन के डिफेंस सिस्टम पर साइबर हमला करेगा और उसके बाद खतरनाक मिसाइलों के जरिए यूक्रेन पर हमला बोलेगा। जब यूक्रेन की मिलिट्री पूरी तरह से कमजोर पड़ जाएगी तब रूस के सैनिक यूक्रेन में घुसकर कब्जा कर लेंगे। आने वाले दिनों में अमेरिका अपना दूतावास यूक्रेन से खाली कर सकता है और जंग के मुहाने पर खड़े इस देश में हलचल काफी बढ़ गई है। पूरी दुनिया की नजरें अब आगे आने वाली 16 तारीख पर टिकी हैं।